हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग फ्रॉम हीरो शोरूम जोधपुर। मैं चीकू और चीकू की मम्मी आज आए हैं भैया बढ़िया सी मस्त गाड़ी लेने के लिए। तो आज गाड़ी की डिलीवरी है और सीधा अपन यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। चलते हैं सीधा शोरूम के अंदर और फिर आपको बताते हैं कौन सी गाड़ी लेने वाले हैं। ये देखो अपना जालोरी गेट के पास में जो हिम्मत जय है, पता नहीं कौन सा है, ये शोरूम है। और इसके पास में देखो ये वीड़ा का एक चार्जिंग स्टेशन भी है। दोस्तों गाड़ी का जो फर्स्ट लुक है वो मैं आपको बताता हूँ, मज़ा आ जाएगा सच में। ये गाड़ी ना मोस्ट वायरल गाड़ी हो रखी है अभी के टाइम में। और ये है भैया अपनी हीरो की एक्सट्रीम 125R। देखो क्या मस्त लग रही है गाड़ी, है ना। बुकिंग तो अपन ने करवा ली थी इसकी पहले ही, अभी है ना आज इसकी डिलीवरी लेंगे अपन। बहुत ही प्यारी गाड़ी है, बहुत ही प्यारी। ये देखो है ना, लुक वाइज देखो कितनी मस्त लग रही है गाड़ी। हीरो की 125cc की ये एक्सट्रीम है भैया। और ये है ना दो वेरिएंट में आती है गाड़ी। ये देखो ABS और IBS, जो अपन ने ली है ना वो IBS है। अभी तो इसकी डिलीवरी लेंगे, घर पे लेंगे इसको, बढ़िया मस्त पूजा वूजा करेंगे गाड़ी की। और उसके बाद में फिर इसका है ना अब से इस गाड़ी के बारे में फुल डिटेल में अपन वीडियो बनाएंगे। इसका माइलेज टेस्ट है, इसका वॉक अराउंड है, सारी चीज़ें अपन करेंगे। तो अंदर चलते हैं, बाकी की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो करते हैं, फिर अपन चलेंगे इसको लेके मंदिर। मंदिर के बाद में मंदिर में पूजा वूजा करके फिर अपन चलेंगे अपने घर पे। ये देखो हीरो के शोरूम में अभी खूब सारी गाड़ियाँ आ रखी है। लाओ सर, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। चिको इधर देखो, चिको ओ भाई क्या लेने आओ, क्या लेने आया चिको? गाड़ी लेने आया हैं? कौन सी गाड़ी लेके जाओगे? मैं छोटा बच्चा हूँ, मेरे को नाम पता ही नहीं। आप भी चलाओगे? बिशु, लो पानी पियोगे? चिकू और चिकू की मम्मी भी इस एजेंसी का कर रहे हैं निरीक्षण। एक गाड़ी तो ले रहे हैं, और कौन सी लेनी है बताओ? चिकू और कौन सी लेनी? चिकू के लिए कोई छोटी गाड़ी है ही नहीं है। चिकू ईवी लेंगे, ईवी तो ये देखो खूब सारी गाड़ी। एक वो है ना वो पड़ी है, ये कौन सी है यार, मेवरिक, वो भी अच्छी गाड़ी है। बाकी अपन तो ये ले रहे हैं, बहुत ही सेक्सी गाड़ी है भैया। ये देखो किसी एंगल से आपको है ना वो नहीं लग रही है कि ये 125 है ना। अभी इसमें देखो पेट्रोल रिफिल हो रहा है, पेट्रोल पंप तक जाने जितना ही। बाकी अभी इसमें क्या क्या लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ एक बार। देखो दोस्तों हीरो के पोर्टफोलियो में अभी रिसेंटली है ना एक तो ये है एक्सट्रीम 160, उसके बाद में ये करिश्मा ZMR, साथ में एक ये मेवरिक 440, ये अपनी एक्सट्रीम 125, साथ में ये सुपर स्प्लेंडर, बाद में पैशन स्प्लेंडर प्लस, उधर डेस्टिनी पड़ी है, और ये पता नहीं कौन सी दो तीन गाड़ियाँ। ये वीडा यहाँ क्या कर रही है? वीडा का कुछ समझ में नहीं है। हीरो की है क्या वीडा? अच्छा वीडा पावर्ड बाय हीरो, ओके 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 अब समझ में आ गया। चिकू और मैं कहाँ घूम रहे हैं भाई, हीरो के शोरूम में महंगी महंगी गाड़ियाँ देख रहे हैं, पर लेंगे कौन सी? एक्सट्रीम 125 है, मजा आ रहा है। घुमक्कड़ हो गया चिकू, घुमक्कड़ बहुत ही घुमक्कड़। हाँ चिकू ये देखो, ये है चिकू के साथ में अपनी एक्सट्रीम 160। हाँ चिकू ये ना बंद अवस्था में पड़ी रहती है भाई, बैटरी भी अब डल रही है इसमें, एक साइड की बैटरी। बैटरी के बाद में भैया होगी अपनी गाड़ी ऑन। कांच वगैरह डालोगे ना भैया? भैया कांच बैटरी बस यही है, नंबर प्लेट तो अभी आएगी नहीं है ना? चलो नंबर प्लेट अभी आएगी नहीं, स्पेशल नंबर मंगवाया ना उसकी वजह से बाद में आएंगे भाई जी। ये अपना मडगार्ड लग रहा है लास्ट में एसेसरी में। देखो यहाँ पे एक ये मडगार्ड आया साथ में, कांच लग जाएंगे, बैटरी अभी डाल ही दी थी, उसके बिना तो कोई काम होता नहीं है। मोटा मोटी यहाँ पे तो लग यही है इस गाड़ी के साथ में, बाकी एक हेलमेट का बोला है, देखो क्या होता है। तो दोनों मिरर भी लग गए, मिरर कुछ ऐसे आते हैं इसके साथ में, फोकस नहीं करता यार ये टाइम पे एक तो। ये देखो यहाँ से कुछ ऐसी लगती है ऐसे वाले मिरर लगाने के बाद में, अब क्या बचा है, अब इसमें वॉशिंग बची एक तो। ये भैया हीरो से अपने को हीरो की ब्रांडिंग का एक कॉम्प्लीमेंट्री हेलमेट मिला गाड़ी के साथ में। क्या है ये, कितने ग्राम का है? देखो ग्राम 850 ग्राम का है, ठीक है क्वालिटी तो अच्छी लग रही है इसकी, है ना।
ठीक है, ये वाला हेलमेट है 875 प्लस 50 ग्राम पता नहीं किस चीज़ का है। अच्छा है, ठीक है, पर इस गाड़ी के साथ में अपग्रेड तो करना पड़ेगा ना दूसरा हेलमेट भाई। भाई अपनी गाड़ी अब फाइनली बस लास्ट प्रोसेस पे है, यहाँ पे अपनी वॉश हो रही है, इसके बाद में फिर अपन इसको लेके मैं और पौन घंटा हो गया भाई, सुनो ही नहीं कर रहे हैं यार ये लोग हैं। लास्ट वॉशिंग बची है, उसके बाद में फिर चलना है अपने को। देखो रोटरी बालाजी के मंदिर जाना है, फिर उसके बाद में अपने को गणेश मंदिर जाना है। और कितनी किलर लग रही है गाड़ी सच में, अब फाइनली रेडी है, अब अपनी गाड़ी है ना निकलने को रेडी है, बस वॉशिंग वॉशिंग सब हो चुकी है, अब निकलते हैं। फाइनली ये निकली अपनी गाड़ी शोरूम से, चल अपनी गाड़ी सबसे पहले पहुंची है रोटरी बालाजी के धोख लगाने के लिए, क्या बात है, प्रसाद चढ़ाते हैं बालाजी के, फिर चलते हैं अपन रातनाड़ा गणेश मंदिर। आपको मैंने दोस्तों अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी है अपने जोधपुर के हैं ना लोग, वो कुछ भी गाड़ी वगैरह कुछ भी लेते हैं तो एक बार गजानंद जी के धोख लगाने ज़रूर आते हैं, तो हम भी अपनी गाड़ी की धोख लगाने के लिए गजानंद जी के मंदिर आए रतनाड़ा। गाड़ी आ रही है नीचे है, यहाँ पर गणेश मंदिर में गाड़ी का तिलक पंडित जी के हाथों से, ये देखो फाइनली आज अपनी गाड़ी की माला लग गई है, मतलब गजानन जी महाराज का आशीर्वाद यहाँ पे। अब चलेंगे सीधा घर पे भैया। तो फाइनली भैया अपनी गाड़ी अपने घर पे आ गई थी और बढ़िया मुहूर्त वहूर्त देखो सब कुछ हो गया इसका कंप्लीट। अभी ना इसके बारे में सारी जानकारी पूरा वीडियो बना के आपको अब टाइम टाइम पे बताते रहेंगे। बहुत ही प्यारी गाड़ी है दोस्तों, बहुत ही प्यारी, चलाने में भी बहुत ही मस्त गाड़ी है, एक्सट्रीम 125R ये देख लो। और इसके कंपैरिजन में कितनी भी गाड़ी है जो भी आती है ना 125 सीसी में, उन सब से ये बेहतरीन लग रही है दिखने में भी और चलने में भी। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देना मेरे को कमेंट्स के अंदर। बाकी मिलते हैं इस गाड़ी की खूब सारी नई नई चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।